आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलो। हम टैबलो डेस्कटॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले की क्लास में टैबलो के बारे में इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू लिया था। हम टैबलो के बारे में आज से विस्तार से रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं टैबलो की कनेक्टिविटी। जी हाँ, कनेक्टिविटी मतलब क्योंकि टैबलो के बाद कुछ तो है नहीं, किसी ना किसी डेटाबेस से डेटा को लेता है। पहले चीज जान लीजिए, जैसे कि एक्सेस एक्सेल में हम डेटा से कुछ लिख सकते हैं, टेबल क्रिएट करके डेटा लिख सकते हैं। टैबलो के अंदर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको डेटा किसी न किसी रूप में इम्पोर्ट करना पड़ेगा। राइट सर जी, तो चलिए हम वन बाय वन टेबल को डेटा को इम्पोर्ट करना सीखते हैं। जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है। तो हमारे पास एक्सेल का डेटा है जिसको इम्पोर्ट करना है, क्योंकि जब तक हम डेटा को इम्पोर्ट नहीं करेंगे हम उसके ऊपर जो डैशबोर्ड वगैरह हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्म एक्सेल पे क्लिक किया। यहाँ आपने देखा होगा कि फॉर्म एक्सेल, हमने इस पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे अपने लोकेशन पे चले गए, डेटा को सेलेक्ट किया एंड ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के साथ ये डेटा आपका। अब इसमें कई सारे शीट्स हैं, तो आप जिस चीज पे आपका डेटा है उस शीट पे डबल क्लिक करेंगे जी। आपका डेटा यहाँ पूरा विजुअल हो जाएगा। राइट, देखिए जब भी हम डेटा कनेक्ट करते हैं तो उसके दो मोड होता है, ट्रैक व्यू एंड लाइव कनेक्शन। तभी आप देखिए कनेक्शन पे लाइव पे क्लिक है, ये लाइव डेटा कनेक्शन। लाइव डेटा कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपका जो वहां एक्सेल में जो है और यहाँ है, दोनों लाइव है। मतलब कि एक्सेल में जब जैसे ही कुछ चेंज होगा यहाँ भी अपना चेंज कर लेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब इसी पे आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, अब डेटा कॉपीड हो गया। ओके, बस ये है कि आप यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई चेंजिंग वगैरह होगा तो अपडेट कर देगा। तो लाइव फॉर्मेट में क्या होता है कि एंट्री होते ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट मोड में क्या होता है, जैसे पिवट टेबल आपका होता है। ओके, तो पिवट टेबल में क्या होता है सर कि आप रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद ही वो अपडेट होता है। वही फैसिलिटी आपकी एब्स्ट्रैक्ट की है और लाइव आपका लाइव। क्लियर है? क्लियर। अब यहां से भी आप अपने आपकी डेटाबेस को ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं क्लोज कर दिया, डेटा सोर्स पे आते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट फाइल की। टेक्स्ट फाइल, देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन अभी भी ऐसे हैं जो कि आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर में डेटा को चेक करते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर यूज होने वाले कॉलर आईडी, आई कॉलर, जिसमें कौन किसने कितनी बार कॉल किया है इसका रिकॉर्ड होता है। टैली, तो ये सब चीजें होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे सामने क्या है, मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूं और नोट पैड पे से डाटा डाल देता हूं। नोट पैड भी दो तरह का होता है, कॉमा सेपरेटेड, टैब सेपरेटेड। ये जो नोट पैड है ये आपका टैब सेपरेटेड है। कॉमा सेपरेटेड और टैब सेपरेटेड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये देखिए एक फील्ड से दूसरे फील्ड के बीच में टैब का डिफरेंस है, ये टैब सेपरेटेड हो गया। और
जो कॉमा सेपरेटेड होते हैं उसमें कॉमा सेपरेशंस होता है। ठीक है, नाम से हमने बना देता हूँ इसको डेटा नाम से डेटा। उसको सेव कर इस फाइल को मुझे अपने टैबलू लिख के आना है। तो टैबलू भी हम टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करते हैं ओपन। ठीक है, लेकिन इस चीज को मैं एक्सेल में करते हैं तो क्या होता है, वो आपको टेक्स्ट टू कॉलम को रिकमेंड कर देता है। देखिए यहाँ पे सिंपल है और यहाँ भी सेम लाइव और स्टैक बुक सेम बुक। अब बात करते हैं जेसन फाइल। अब जेसन फाइल क्या होता है चीज जानिए। देखिए आजकल की जो है अभी पॉपुलरिटी जेसन फाइल की भी पॉपुलरिटी जो है काफी बढ़ गई है। ठीक है, जेसन फाइल की पॉपुलरिटी काफी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये जावा का फाइल है और काफी ज्यादा आजकल चलन में आ रहा है कि ऑनलाइन सर्वर वगैरह में। ये प्रॉब्लम है कि जेसन फाइल बहुत सारे लोग भेजते हैं। अब जेसन फाइल का पता दूं आपको, जैसे एसक्यूएल हो गया, सैश हो गया, ऑरेकल हो गया, ऐसे जो डेटाबेस है ये आपको डेटा को डाउनलोड करना स्ट्रैक करते हैं खाए तो एक्सेल फॉर्मेट में या नोटपैड में या सीबीएसई फॉर्मेट में, तो उनको भेजना पड़ता है जिसकी लिमिटेशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए जेसन फाइल जो है यूज में आ रहा है क्योंकि ये उससे ज्यादा बेटर है। तो एक बार मैं जेसन ऑनलाइन के रूप में शेयर करता हूं। एक्सएमएल फाइल होती थी ना सर, ऐसे ही जेसन फाइल हो गई है। मैं यहां से फाइल चूज करता हूं। जेसन टू एक्सेल, एक मिनट दीजिए सर। जेसन एक्सेल सॉरी की थी एक्सेल टू चूज पाएगा। डालू का ऑप्शन आता है इसमें, अब इसको हम करते हैं सिंपल। यहां क्लिक करें, डालू पे आता हूं।
हेलो ऐसा ही इंपैक्ट है कुछ नहीं है आ गया इसमें आपको सलाह व्यू समझे जी और आप ओके कर दो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या जेसन में एक्सेल को जेसन में कन्वर्ट कैसे समझ नहीं आया मुझे कुछ व्यवसाय सर जैसे अभी वेबसाइट है हमारा चूज फाइल कर दिया आपने बायो को सिलेक्ट किया और जैसे जैसे भी क्लिक करेंगे ना आपको रिजल्ट आएगा डाउनलोड रिजल्ट कर लीजिए अगर कोई जेसन फाइल तो मैं कन्वेयर इसलिए किया क्योंकि मेरे जेसन फाइल नहीं थी ओके 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 फाइल आएगी ठीक है जेसन फाइल भी दिखाना मुझे कैसे मतलब होगा ये तुमने कन्वर्ट कर दिया ना हाँ ये तो एक्सेल को हमने जेसन में कन्वर्ट कर दिया हाँ तो हमने उस दिन जेसन फाइल भी डाउनलोड की थी ना हमने इसे कन्वर्ट करके फाइल से कन्वर्ट कर लिया सर जी कर लिया ये हमारा जेसन फाइल ठीक है जी ये भी आपका जेसन फाइल है जी क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में नहीं जेसन फाइल है फाइल है जैसे एक्सेल फाइल जेसन फाइल है डेटा स्टोरेज के अंदर अच्छा ठीक है लगा आपने जेसन के बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं है नहीं मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में जैसे मैं बताया कि जेसन जो है इसके जैसे क्या बोलते हैं बोलते हैं आपका एक्सएमएल डेटा एक्सचेंजिंग के लिए एक डेटा एक्सचेंज करने के लिए सबसे अच्छा होता है जैसे हम लोग सीएसवी इस्तेमाल करते हैं हम एक्सएमएल इस्तेमाल करते हैं डेटा को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए तो एक्सचेंज करने के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि नोटपैड सीएसबी एक्सएमएल ऐसे जो फाइल है वो लार्ज डेटा को हैंडल करने में काफी ज्यादा यूजफुल नहीं है और सक्षम नहीं है तो उसलिए हम जेसन फाइल को यूज करते हैं उसका जेसन फाइल इसको हम कोड जैसे एचटीएमएल का कोड होता है ना सर और एक्सएमएल कोड होता है उस तरह से कोड में हम अपने उस फाइल को रख देते हैं और इसका एक कन्वर्ट कर देते ऐसे कन्वर्टर आपके ऑनलाइन कन्वर्टर भी बहुत सारे हैं ऑफलाइन कन्वर्टर भी बहुत सारे हैं ऐसे कन्वर्टर को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने जो जेसन फाइल इसको कन्वर्ट कर दिया हाँ मैंने एक्सेल फाइल कन्वर्ट करके मैंने एक्सेल फाइल को जेसन फाइल में कन्वर्ट कर दिया ओके देखिए इसके लिए यूज नहीं होता
जेसन फाइल जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को अगर 20 करोड़ का डेटा भेजना है, क्या लग रहा है 20 करोड़ का डेटा नोट पैड पे एक्सेल में या फिर आपके एक्सेल में पॉसिबिलिटी नहीं, वहां हम जेसन फाइल को यूज करेंगे। ओके, तो आप जब काम करेंगे तो आपको सर आपके अगर कंपनी अगर लार्ज का यूज करेगी तो मोस्टली फाइल को जेसन फाइल में आपको भेजेगी। ठीक है, तो मेरे पास जेसन फाइल नहीं था तो मैंने कन्वर्टर से कन्वर्ट कर दिया, ऑनलाइन बहुत सारे कन्वर्टर अवेलेबल है तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अभी ये ऐसा शो कर रहा है अगर हम जो जेसन फाइल हमने जेसन फाइल बनाया है उसको अगर हम उसको ओपन करेंगे वो कैसा डेटा दिखाएगा, सारा वो भी कोड में दिखाएगा। तो उसके लिए ओपन करने के लिए आपको ओपन करने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, उसको ओपन तो करना पड़ेगा, कैसे ओपन होगा, ऐप तो चाहिए ना उसके लिए आपको। अच्छा, हेलो, इसके लिए ऐप हेलो सॉरी सर, तो जेसन फाइल को ओपन करने के लिए जेसन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना सर, ये डेटा वाइज है ना सर, ये एप्लीकेशन नॉर्मली होती नहीं है ना सर, चलिए इसको भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो सुन रहा हूँ मैं, हेलो सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जेसन फाइल जो आपकी डाउनलोड हुई जी, जेसन फाइल जो है आपका जेसन के एप्लीकेशन जो जो एप्लीकेशन को रीड करता है। ओके, ठीक है ना, और इसकी जो आपने कभी एक्सएमएल की फाइल देखी है? नहीं, एक्सएमएल भी नहीं देखा मैंने कभी। अच्छा, जैसे सर मुझे फाइल आएगी कहीं से, ठीक है, आएगी या फिर आप डाउनलोड करेंगे आपके अपने सर्वर से? ओके, डाउनलोड करके मैं टैबलू पे इसे देख सकता हूँ, वैसे ऊपर नहीं कर सकता। हाँ, जैसे मान लीजिए ना कि आपके एक आप सर्वर यूज करते हैं, मान लीजिए प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, हालांकि जेसन के एक डेटाबेस पर एप्लीकेशन है जैसे एसक्यूएल है, ओरेकल है, ऐसी जेसन के एक डेटाबेस है, तो अगर आप वो डेटाबेस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको जब फाइल को डाउनलोड करेंगे डेटा उसमें से, मान लीजिए ना आप सैप यूज कर रहे हैं, सैप जानते होंगे जी, सैप यूज करते हैं, सैप ने आपने अपनी कंपनी के डीलर का डेटाबेस निकाला, उन्हें वॉर निकाला, तो पता चला कि डीलर का डेटाबेस आपका टोटल 25 लाख का है जी, उसका एक्सएमएल डाउनलोड कर सकते हैं?
नहीं सकते क्योंकि लिमिटेशन एक्सिस्ट है, एक्सेस में नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेस सपोर्ट नहीं कर रहा है जी, साइज की लिमिट है उससे ज्यादा होने पे वो नहीं करता है। तो उस केस में हम डाउनलोड करेंगे जेसन फाइल पे, चाहे किसी को देने के लिए या फिर टैबलू के साथ एनालिसिस करने के लिए, समझे? ओके जी, क्लियर है जी। अच्छा सर मेरी बात सुनिए, आप अगर अभी जो हमने उस दिन डाउनलोड किया है नेट, ठीक है सर, अब उसको अगर मैं टैबलू में लाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो हो जाएगा? हाँ देखिए, क्योंकि वो तो कोडिंग सी शो कर रहा है ना मुझे। तो कोडिंग बैकएंड में है ना सर, टैबलू उसको रीड कर लेता है। अच्छा अच्छा, एक बार जो मैंने आपको फाइल जैसे, वो हाँ, जैसे देखिए जैसे ये फाइल आपको दिख रही है ना, ये भी फाइल हाँ, हाँ, जी, दिख रहा है ना, जेसन फाइल है। अब इस जेसन फाइल को अगर मैं ओपन बीथ करता हूँ नोट पैड, मान लीजिए जी नोट पैड करता हूँ, एक कोड दिख रहा है सर आपको? हाँ जी हाँ जी, इसी कोड में होते एक एक एंट्री के लिए इसने कोड लिखा, ऑर्डर डेट दिख रहा है एक एक लाइन के लिए, एक एक ऑर्डर जी दिख रहा है जी, हाँ जी, इसी कोड के फुल फॉर्म में सेव होता है, डाउनलोड होता है। ओके, तो आपको ये नहीं करना कि आपको इसको डाउनलोड इसको लिखना पड़ेगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिक लिख के दे देता है नोट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, समझे? इतने बहुत सारे चीजें हैं, इससे बहुत सारे बात इसके बारे में आगे और आप पढ़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ ना, जेसन फाइल के बारे में एक आर्टिकल मैं आपको भेज देता हूँ, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फाइल आपको बनानी नहीं है, कन्वर्ट नहीं करनी। क्यों कन्वर्ट करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी एक्सेल में आया, एक्सेल लोड कर लो। आप ये सोच, आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रही है कि आप एक्सेल को कन्वर्ट करेंगे जेसन में फिर आप उसको टैबलू में लाएंगे, करना है सर कन्वर्ट नहीं कर लिया क्योंकि मेरे पास जेसन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। जी जी जी, ठीक है ना, आपके पास क्या होगा कि आपकी जो डेटा हो, आपकी जो ए होगी सिस्टम होगी, वो डेटाबेस आप यूज कर रहे होंगे वहां से वो डाउनलोड होगा, ठीक है जी, वहां से आपका वो डाउनलोड होगा जी, आप उसको यूज तब उसको यूज करेंगे आप, समझ गए? अभी मेरी बात है कि इसको बाकी एप्लीकेशन लीड नहीं कर पा रहा, ऐसे में इसके लीड तो आप इसका एक्सेल भी कर लेता है, एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, जेसन फाइल को, तो इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे एमएस एक्सेस को कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक चीज और भी है, पीडीएफ फाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, हेलो जी, हाँ जी हाँ, आपके पास डेटा का पीडीएफ फॉर्मेट में आया हुआ है, फिर वो एक्सेल में करके करते हैं? कैसे एक्सेल में करते हैं, पीडीएफ तो एक्सेल में नहीं जाता है? नहीं, मैं काम नहीं किया पीडीएफ पे, काम नहीं किया। देखिए पीडीएफ फाइल किसी को भेजता ताकि आप उसकी डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है जी। तो पीडीएफ फाइल जो होता है हमारा वो प्रोटेक्टेड होता है, तो अगर किसी ने पीडीएफ में आपने फाइल आपके फाइल को सेव करके आपको भेज दिया हुआ है तो उसको पीडीएफ कन्वर्टर से कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके एक्सेल में आता है। ओके, टैबलू जो है आपका पीडीएफ को रीड करता है, कैसे? देखिए आपने फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक किया, और मैंने यहां पे डाउनलोड इस डेस्कटॉप पे गया, डेटा किया। अब इसमें पूछता है कि आप पीडीएफ का सारा पेज लेना है या फिर कोई सेपरेट पेज या कोई बिटवीन पेज लेना है, मैंने बोला पूरा लेना है। तो जैसे एक्सेल में शीट्स होते हैं ना, ऐसे आप पेजेस बन गया जी। ठीक है सर जी जी,
अब यही एक छोटी सी दिक्कत होती है सर इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वो कंबाइंड नहीं आता, लेकिन हाँ इसमें यूनियन वगैरह बन जाता है, आगे इसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। हेलो जी, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से पीडीएफ को भी आप लोड कर सकते हैं आगे चलकर। हम हर एक डेटाबेस से आपको बताएंगे कि हर एक डेटाबेस का यूज हम लोग कैसे इसको करेंगे, उसके साथ भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब मान लीजिए कि इसमें कोई और फाइल आपके पास आया हुआ है बट आपको पता नहीं चल रहा है कि उसको कैसे लोड करें, तो आप क्या करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे जी, उस फाइल को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका डेटा ओपन, डेटा सोर्स में जाइए, गया सर जी, और यहां पे स्टैक दिख रहा है क्योंकि क्योंकि ये फाइल है सर। तो ऐसे यहां से आप इसको ले सकते हैं, जैसे कोई ऐसी समझ में नहीं आ रहा आपको कि कौन से मैं ए कौन से मैं डालूं, मैं जेएसएन में डालूं, सीएसवी में डालूं, किस में डालूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट सेलेक्ट योर फाइल, वो अपने आप कंसीडर कर लेगा किस में करना है, मोर पे क्लिक करना मुझे बस। हाँ, ये जो चीजें थी, तो ये तो थी चीजें थी ऑनलाइन सिस्टम, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फाइल बना बनाया फाइल है उसको लोड करना। नीचे जी सर्वर, पूरा सर्वर में कैसे होता है, किसी आपको अटैच करना है, सर्वर ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, आपके ऑफिस के सर्वर है या किसी अलग चीज का, या गूगल शीट्स है जी, उसे यहाँ पे हम इसको लिंक करते हैं, तो इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी तो 5 बज गया है और नेक्स्ट बैच का टाइम आ गया, वो मैसेज कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है सर, कल पूरे सर्वर की कनेक्टिविटी को सीखेंगे, अभी आप जो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल को कनेक्ट करके देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके।